देव सिंघेड़ किस तरह से अपने मूल स्थान संघेड़ में विराजमान है और किस तरह का इतिहास है और किस तरह की श्रद्धा भाव से जो लोग हैं देवता के पास पहुंचते हैं, संपूर्ण इतिहास बताना चाहिए। कमेटी के हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड। तो कैसे हम सब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज हम आशापुरी में, तो अभी आपको करवाते हैं दर्शन माता आशापुरी के। तो अभी जो आज हमारा जो है देवगिरी के साथ सेकंड डे, देवगिरी संगरेड़ के साथ जा रहे हैं मिथुनू और जीजू। तो आगे हम दर माता के कुछ बैली का व्यू ऐसा जोगिंदर नगर। तो कुछ दर्शन करा रहे हैं, कुछ व्यू देखो बैली का यार। अल्टीमेट जय माँ आशापुरी। अभी माता आशापुरी के दर्शन करवा कर अभी आपको दर्शन करवाते हैं देवगिरी जी के। तो चलिए चलते हैं जहाँ पर देवगिरी जी अभी है। कुछ देखिए व्यू श्री देवगिरी। अंचल को यूं ही देवी देवताओं की भूमि नहीं कहा जाता है। देवी देवताओं के प्रति अथाह श्रद्धा प्रेम और इसकी जो ख्याति है पूरे देश के साथ पूरे विश्व भर में है। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको आज हम दर्शन करवा रहे हैं श्री देव गहरी संग्रहण के, जो आज आपको बताना चाहेंगे पहली बार राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ में शिरकत इन्होंने की और पहली बार ये मौका मिला। अभी हमारे साथ देवता के गुरु श्री भारती हमारे साथ मौजूद है। संपूर्ण देवता का इतिहास आपको बताएंगे, आपको बताएंगे कि जिला कांगड़ा मुल्तान पंचायत के अंतर्गत गांव संग्रहण से श्री देव गहरी किस तरह से विराजमान है, किस तरह का इतिहास है और किस तरह से जो लोग हैं देवता के पास पहुंचते हैं और किस तरह से देव सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं देवता के गुरु श्री भागजी भागसन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो भाग जी आपसे जानना चाहेंगे, देवता का इतिहास जानना चाहेंगे, देव संघेड़ किस तरह से अपने मूल स्थान संघेड़ में विराजमान है और किस तरह का इतिहास है और किस तरह की श्रद्धा भाव से जो लोग हैं देवता के पास पहुंचते हैं, संपूर्ण इतिहास बताना चाहेंगे जी। देखो जी, पहले हमारे बुजुर्गों के टाइम से सदियों पहले ये कुल्लू में होता था जी। कुल्लू में थाच नाम गांव का नाम है। थाच और माशन ये दोनों गांव कट्टे हैं जी। तो वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी जी। तो वहाँ से हमारे बुजुर्ग जी काफ़ी सदियों पहले आए थे हमारे छोटा बंगाल गांव संग्रेड़ मुल्तान पंचायत में जी। तो उन्हीं के साथ ये देवता जी कुल्लू से आए हैं। तो वहाँ पर हमारे बुजुर्ग जी काफ़ी सदियों से लेकर के से पूजते आए हैं, मतलब मानते आए हुए हैं जी, जी। तो इनका जितना भी मतलब ये रहा तो उन्हीं के साथ रहा। हमारी ही खानदानी के जो भी लोग हैं वो इस देवता के गुरु जो है वो रहते हैं। तो उसके बाद काफ़ी टाइम की बात है, पता नहीं कोई चोरियां होती थी देवते के टाइम पे जी। तो उस वक्त उसको ले गए थे जी। तो लेने के बाद काफ़ी टाइम रहा, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको मतलब जैसे गड़ू का गहरी बताते हैं, नेर का गहरी बताते हैं, तो उनका एक ही इसमें चला हुआ था। तो उसके बाद मैं नेर का जो गहरी है उसके पास 22 साल लगातार घूर रहा हूँ जी। तो उसके बाद मुझे किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद जो है मैं देवता से दूर ही रहा क्योंकि मुझे कोई काम ही ऐसे थे। तो इसके बाद जब तीन चार साल पहले 2019 से लेकर के मुझे सपने में आ करके देवता जी बोलने लगे कि मेरा जो है संग्रहण में दोबारा से इसका स्थापना की जाए जी। तो स्थापना के बारे में मैंने सोचा कि सपने में ऐसा ही होता होगा जी, जी। तो होते होते काफ़ी टाइम हो गया मुझे, हर हफ्ते में होता था, फिर बाद में हर रोज़ होने लगा, सपना आने लगा। तो उसके बाद जो है मेरे को मैंने ऐसा ही सोचा कि मैं क्या सपने की बात होती है, क्या पता ये सच है या झूठ है जी। तो काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। तो ऐसे मैं काम भी करता था, मतलब ठेकेदारी भी करता था छोटी मोटी, तो वहाँ पर लगभग मुझे 45 लाख का घाटा पड़ा था जी जी। तो उसके बाद मेरे को सपने में बताया कि देवता ने बोला कि अब भी सुधर जा, अगर नहीं सुधरेगा तो मैं इससे आगे तेरे को बहुत बड़ी सजा दूंगा जी। तो मैं डर के मारे दोबारा से यही गांव सिंगरेड से दोबारा जो स्थापना शुरू की 2021 में। तो इस देवता का सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारियों के बारे में
जो भी लोग मतलब बीमार शिमार होते हैं उसके पास जो जाता है तो सभी ठीक हो जाते हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जो हमारे नज़दीकी गांव आते हैं, जो इसके नज़दीक में जो आते हैं, उन गांव में देवता जी की इतनी रक्षा रही कि एक भी आदमी हमारा पॉजिटिव नहीं निकला। अगर ये इतिहास को पता है, सारे लोगों को पता है इसके बारे में, इसका जो है बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा ये है। जो भी आस्था लेकर के आते हैं लोग, उनकी जो भी आशा है उसको पूरी करता है। तो देवता का हमारे पर काफ़ी बड़ा ये है, हमारे लोगों के ऊपर जो धाम उत्थान पंचायत के हैं, जो एरिए के जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है देवता जी का। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जा करके जो भी लोग आता है इसके पास वो ठीक होकर के ही जाता है जी। तो काफ़ी सालों से विराजमान है ये, तो काफ़ी सदियों से है जी। लगभग मुझे अनुमान ही है कि 3-4 हज़ार साल पहले से ही मतलब वहाँ पर विराजमान है, हमारे बुजुर्गों के साथ आया हुआ है जी। अभी हमारे गांव में जो है, हमारे घर में जो है, बहुत पुरानी मूर्तियाँ अष्ट धातु की, जिनका हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ आज भी विराजमान है, और देवते का जो भी सामान है वो भी आज भी हमारे घरों में विराजमान है। घरों में क्या, हमारे मंदिर जो बुजुर्गों के टाइम के बने हुए हैं उसमें विराजमान है जी। तो देवता को जाना जाता है, कई तरह की गंभीर बीमारियां दूर करते हैं देवता जी। जी कई किस्म की बीमारियां जो उसको दूर करते हैं, जो लाइलाज बीमारियां, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी उसको दूर करते हैं देवता जी। जी तो इस बार हमारे साथ जो है सात देव अजयपाल का गुरु भी साथ में होता है जी। वो है हमारे लालचंद जी, जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। और नंबरदार हमारे मस्तराम जी हैं जो हमारे साथ में चले हुए हैं जी। वह देवता का जो पुजारी बोलते हैं हम जिसको जी, वो हमारे धनुराम जी हैं, वो भी हमारे साथ में आए हुए हैं। और नागराज जी देवता का जो मेन कार्यकर्ता रखा हुआ है समिति का अपने, वो भी हमारे साथ में आए हुए हैं। और साथ में हमारे देवलू जो है वो हमारे सभी साथ में आए हुए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रेस वाले का, धन्यवाद। मिश्र जी क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले आपका अनुभव जानना चाहेंगे। पहली बार जो राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ में शिरकत जो देव गहरी ने की, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हिमाचल फर्स्ट आपका इसमें स्वागत है। जैसे कि हम जैसे संगरेर से जैसे निकले हम जी देवताओं को लेके, तो शिवरात्रि में पहुंचे हमें लगभग दो दिन लगे। रात को हम पहुंचे यहाँ हराबाग में जी, नाइट स्टे वहाँ पे हुआ, और मॉर्निंग में हम बाय रोड हम यहाँ पहुंचे। तो मतलब काफ़ी लोगों का सहयोग मिला रास्ते में, कोई कुछ बंदों ने मतलब खाने के लिए इंतजाम किया, कुछ ने चाय का इंतजाम किया जी। काफ़ी लोगों ने बात